तो मैंने सामान अपना सारा पैक कर लिया और मैं निकल रहा हूँ अब बैंगलोर के लिए। हे व्हाट्स गुड एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो एंड दिस इज द फोर्थ व्लॉग ऑफ डेली व्लॉगिंग एंड आई एम लीविंग फॉर बैंगलोर राइट नाउ क्योंकि बैंगलोर के वेदर का भरोसा नहीं है, कभी भी रेन स्टार्ट हो जाती है। तो अगर मैं दिन में वहाँ पहुँचूँ तो बेटर है, तो इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ। सो आज सुबह मैं एक सिटी राइड पर गया था, लेकिन जब तक मैं लंच खाता हूँ, हैव अ लुक ऑन द सिटी राइड। And as per my expectation, it started raining. So anyways, now I am in Bangalore. और वैसे मैं vlog कल upload नहीं कर पाया क्योंकि exams थे. And second thing, कल मैंने एक story डाली थी Q&A की, ask me anything. और उसके अंदर कुछ questions आए. So let's answer some questions. So the first question is by SKVKDK. I know you. So the question is how to take slow mo from DSLR. So basically जब हम फोन से स्लो मोशन शूट करते हैं तो फोन के अंदर सिंपल सा ऑप्शन होता है स्लो मोशन का। सो फोन जितनी भी हाईएस्ट फ्रेम रेट रिकॉर्ड कर सकता है वो उतनी फ्रेम रेट रिकॉर्ड करता है। बेसिकली एक प्रीसेट है जो कि कंपनीज बना के देती है ताकि आप हाईएस्ट फ्रेम रेट रिकॉर्ड कर सको और वो स्लो मोशन में कन्वर्ट हो सके। सो बेसिकली फोन में ये सिंपल होता है, लेकिन कैमराज में ये सिस्टम इस तरह से काम नहीं करता है। कैमराज में आपको पता होना चाहिए कि आपकी हाईएस्ट फ्रेम रेट कौन सी है और कितना सपोर्ट करता है। जैसे मेरा कैमरा जो है वो 60 fps तक रिकॉर्ड कर सकता है। सो इसलिए मैं जितने भी स्लो मोशन है वो 60 fps में होते हैं। अदर देन दैट देर इज 24 fps जो कि नॉर्मल स्पीड है, तो हाँ उसमें कोई स्लो मोशन होगा नहीं। बट अगर तो आप 60 fps में शूट कर रहे हो तो आप स्लो कर सकते हो। कुछ कैमराज में 120 fps भी होते हैं, कुछ में 240 fps भी होता है। सो इट डिपेंड्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम शिवांगी पुरोहित। शी सेज व्हाई डू यू ओनली लव लैब्स एंड गोल्डन रिट्रीवर, व्हाई नॉट अदर ब्यूटीफुल सोल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीट द व्लॉग, फर्स्ट ऑफ ऑल आई लव डॉग्स। सो आई लव ऑल टाइप्स ऑफ एनिमल्स एंड डॉग्स, लेकिन आई लव गोल्डन्स एंड लैब्स, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम भूमिका। शी सेज टेल अस द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेसन यू लर्न ड्यूरिंग योर जर्नी सो फार, जस्ट कीप डूइंग वर्क एंड डू व्हाट यू लव, दैट्स इट। नेक्स्ट इट्स नॉट अ क्वेश्चन बट दिस इज बेस्ट व्लॉग ब्रो, थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम रोहन। ही सेज गिव मी योर SFX ब्रो, आई गेट ऑल माई SFX फ्रॉम अ वेबसाइट कॉल्ड एपिडेमिक साउंड। आपको भी कोई भी साउंड चाहिए तो आप वहाँ से ले सकते हो, लेकिन इट्स नॉट अ फ्री वेबसाइट, आई हैव अ सब्सक्रिप्शन ऑफ दैट एंड आई रियली लव देयर सर्विसेज, सो इसलिए मैं एपिडेमिक साउंड यूज लेता हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम अकील। ही सेज हु होल्ड्स द कैमरा, आई एम द वन हु होल्ड्स द कैमरा, और मैं व्लॉग इस तरह से करता हूँ, लेकिन मैंने अपने कैमरा को सिखाया है कि किस तरह से एक ही जगह पे स्टे करना होता है। जिस तरह से जैसे अगर मेरे हाथ थक गए तो मैं हाथ उठा सकता हूँ और कैमरा वहीं पे रहता है, और जब भी मैं वापस नॉर्मल हो जाता हूँ तो मैं वापस कैमरा को होल्ड करके यूज ले सकता हूँ। सो या इट्स अ ट्रेनिंग, इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम गौतम। ही सेज हाउ मच वॉज योर हाईएस्ट एक्सपेंडिचर लाइक फॉर विच व्लॉग। मुझे क्वेश्चन ढंग से समझ में नहीं आया, लेकिन आई थिंक आप ये पूछ रहे हो कि सबसे ज़्यादा मैंने कौन से ब्लॉग पे खर्चा किया होगा। टू बी ऑनेस्ट, मैं ब्लॉग पे खर्चा करता नहीं हूँ, और बेसिकली इट्स लाइक कि आप जितना ब्लॉग बनाते हो आप उतने कॉन्टैक्ट्स बनते हो, और कॉन्टैक्ट्स की वजह से आप कुछ कुछ जगहों पे जा सकते हो और वहाँ पे और ज़्यादा जाकर ब्लॉग्स कर सकते हो। तो ऐसा कोई खर्चा होता नहीं है, डिपेंड्स कि जो जो चीज़ें एक्सेसिबल है मैं उन सबको ब्लॉग करता हूँ। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम थ्री ट्रेवलर। ही सेज हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड ऑन सोशल मीडिया। अलॉट, आई डोंट नो, लाइक मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज माई थिंग, क्योंकि आई एम ऑलवेज ऑनलाइन एंड आई वॉन्ट टू मेक अ कैरियर थ्रू दिस वीडियोज एंड ऑल। सो इसलिए मुझे एक्टिव रहना ही पड़ता है। इट्स नॉट लाइक आई एम एडिक्टेड टू इट, आई डोंट थिंक आई एम एडिक्टेड टू इट, बिकॉज जब मैं ट्रैक पर जाता हूँ तो हफ्ते भर तक मैं इंटरनेट यूज़ नहीं लेता हूँ, तो आई एम रियली कम्फर्टेबल विद दैट। आई डोंट थिंक आई एम एडिक्टेड टू इट, बट या आई यूज़ अ लॉट क्योंकि काम ही ऐसा है। So the last question is from Riya. She says, when will you come to Jodhpur? 24th of this month, क्योंकि घर आना है और जोधपुर की याद आ रही है। I'm coming. So these were some of the questions. और अगर आपको कोई और question पूछना है so just comment down below or you can DM me or anything. और मैं अपनी दूसरी videos में उसका जवाब ज़रूर दूंगा। And also क्योंकि ये आज last vlog है daily vlogging का, और इस daily vlogging के अंदर I want to share one thing कि daily vlog से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे को डेली ब्लॉग सीखने को मिली वो है कि द वे आई थिंक अबाउट क्रिएशन। इट्स लाइक
मैं रोज सुबह उठ के कैमरा पकड़ के व्लॉग करना, दिन भर व्लॉग करना, फिर शाम को एडिट करना और ये सोचना कि थंबनेल क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए। एक क्रिएटिव माइंड फ्लो में मैं चला गया था बिकॉज ऑफ द डेली व्लॉग एंड आई थिंक इट रियली हेल्प मी एज अ क्रिएटर। सो इफ यू आर अ व्लॉगर और एनी कंटेंट क्रिएटर, इफ यू एवर वॉन्ट टू ट्राई डेली व्लॉगिंग, जस्ट गो एट, इट्स रियली गुड एंड यू विल लर्न अ लॉट। सो या, जस्ट ट्राई इट, इट्स गुड। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो एंड आई विल सी यू वेरी सून। So, until next time, take it easy, internet. Peace.